मिशु क्या हो रहा है? बेदाना खा ली? और मिशु ब्रश की? बेदाना से ब्रश हो गया ना तुम्हारा? और कहाँ क्या हो रहा? क्या खाएगी आज मिशु? ओ ए मिशु का भोबो है ना? हाँ बहुत क्यूट सा है ना। अमीशु क्या खाएगी? ओ अभी जा रहे हैं बनाने के लिए। मिशु का फेवरेट है मटर पुलाव, तो मिशु खाएगी मटर पुलाव। अमी कर चुकी है इधर अपने भोबो के साथ। और देखिए इसका काम है आलू प्याज ये सब जो फेंकती रहती है इधर, आलू वगैरह सब निकाल करके फेंकती रहती है। और ये देखिए तो यहाँ पे मैंने तैयारी करके रख ली है। और ले गिर गई मेरी सोना। ओ नो 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 मेरे बच्चा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ मेरा सोना। ओहो रे गिर गई रे मेरे बच्चे। माँ भोबो है, किसको भी चोट लग गया। और लो लो भोबो कुछ ओहो बैठेगी। अच्छा ठीक है, तो इस पे सामान है ना किचन का, तो हटा देंगे तब तो ना बैठेगी। तुम्हारा भोबो बैठ गया। और देखिए ये काउंटर पे बैठने के लिए रो रही है मिशु। और काउंटर पे मैं तो जा रही हूँ, सारे सामान है यहाँ पे, तो ये बनाने के लिए ये 10-12 काजू है, 1 इंच अदरक है, लहसुन है, छीली है, प्याज मैंने कट कर ली है, और ये है टोमेटो, 1 टमाटर बड़ा साइज का, और ये है पनीर, ये अल कबीर का ये है पनीर है, 1 पैकेट में इसको बनाऊंगी। और आज बारिश बहुत हुई है, सुबह से बारिश हो रही थी, उसके बाद अभी मौसम ठीक है। और ये है कि इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाफ स्वेटर वगैरह ये सब डाल ली है, हाफ स्वेटर, तो क्योंकि ठंड है। मैंने आपको दिखाया था ये सब जो टमाटर प्याज थोड़ा हरी मिर्च ये और ये सब चीजें हैं, तो इसमें हम डालेंगे। तो चलिए करते हैं ऑन। इसमें डालते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, ऑलिव ऑयल। ये आफिया का है ऑलिव ऑयल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड, उसके बाद से ये प्याज, डाल दे रहे हैं लहसुन, ये चम्मच नमक, थोड़ा सा और ये नमक हो गया, ठीक हो गया। जरा सही हल्दी पाउडर, अब अच्छा यहाँ है थोड़ा सा
डालते हैं हल्का सा पानी। इसको हमें देते हैं ढक के पकने देते हैं 5 मिनट्स। इसको करीब से आपको दिखाती हूँ। इधर जो है हमारा ये मसाले जो हैं पनीर के लिए ठंडा हो रहे हैं, और ये कुछ प्याज मैंने क्यूस में काट लिया है, और ये हो गया पनीर। तो ये जो है रख दिए हैं, इसको थोड़ा हीट होने देते हैं पैन को, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्जी, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बस, थोड़ा सा ही होगा। इसको ऐसे घुमा लेते हैं, इसको होने देते हैं गरम, और ये तेल हो गया हीट, इसमें डालते हैं। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉटे। तो अब इसको हम डालते हैं इसमें जार में। प्याज सॉटे हो गया, और ये करते हैं मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे अच्छे से, और क्योंकि फ्राई किए हुए हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको भूनने में। और इस तरह के दिखेंगे आपको, ये भून चुके हैं मसाले, और जो पनीर है जो फ्राई करके रखे थे उसमें डाल देंगे, और जो सॉटे करके प्याज है उसको डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा पानी डालेंगे और 1 कप के बराबर इसमें दूध डालेंगे। और आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मेरे पास दूध है, क्रीम नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें क्रीम डालूंगी। हाँ बच्चा, आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये है 1 कप दूध। एक चुटकी चीनी। यस, थोड़ा सा गरम मसाला। Thank you.
और इसको 5 मिनट ढक कर के पकने देते हैं। अब खोल के ढक्कन हटा कर देख लेते हैं कि कैसा हुआ है। और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इसको हम हाथों से इस तरह से मसल करके इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता कटी हुई डाल करके गार्निश करेंगे और ढक देंगे। और इस तरह से हमारा पनीर मसाला ये रेडी हो चुका है। इस तरह से बनाइए, काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी डिलीशियस होते हैं ये बनते हैं, तो आप भी ट्राई करें। और इसमें आप शिमला मिर्च अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर ग्रीन, येलो, रेड, कोई भी आप शिमला मिर्च भी शॉर्टे करके डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। हमारे पास अभी नहीं था तो मैंने सिर्फ प्याज ही डाल के बनाया है। अच्छा जी, तो अब मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने। उसके लिए मैंने 3 कप चावल भिगो दिया है, बासमती राइस, और ये है शाही जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये है मटर पुलाव बनेगा, और ये है थोड़ा सा बिरयानी के लिए प्याज, एक अदद टुकड़ा ये क्या अदरक और 2 ये लहसुन का, तो ये है कुटने के लिए, इसमें हम डाल देते हैं। ये हो गया और इसको मैं ये हो गया और ये है घी, और ये रख दिए हम कढ़ाई डेगची, गैस को करते हैं ऑन और डेगची को करते हैं गरम। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, रिफाइंड में नहीं बट डालूंगी, इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ। एक चम्मच के बराबर है। और उसके बाद ये जो है प्याज, ये प्याज को मैं तल के निकाल लूंगी। और ये बिरयानी हो गया, निकल गया। उसके बाद जाएगा ये कुछ गरम मसाले, इसके बाद से जाएगा ये मटर, अब ये जाएगा ये राइस, इसको करेंगे थोड़ा सा तेज आंच। जाएगा नमक 1 चम्मच, चम्मच नमक हो गया।
और ये है गरम पानी, तो इसमें डालते हैं गरम। और पानी जाएगा, सीधा करें। अच्छा जी, कितना अच्छा से एकदम हुआ है। तो पानी अगर अंदाज से अच्छे से डाल दिया जाए तो पुलाव बहुत अच्छा बेहतरीन बनेगा। तो ये मटर पुलाव मेरा हो चुका है रेडी। देख लें चावल, देखिए परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा जो प्याज है मैं उस पर गार्निश कर दे रही हूँ। ये हो गया हमारा रेडी। अब इसको चूल्हा को हम कर देते हैं बंद यहाँ से, और ये हो गया फिनिश।